सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, ये कहना मुश्किल है। मुश्किल ये भी बताना है कि बीते 3 सालों से जर्जर हो चुकी सड़क पर कितने हादसे हुए। ये सड़क बिघोर पंचायत के बसलगांव करणपुर होते हुए पश्चिम बंगाल को जोड़ती है, इसीलिए महत्वपूर्ण भी है। लेकिन इसके बावजूद इस सड़क की हालत इतनी बदतर है। बारसोई प्रखंड क्षेत्र के बिघोर पंचायत के बसलगांव और करणपुर होते हुए पश्चिम बंगाल और बारसोई अनुमंडल मुख्यालय को जाने वाली ये सड़क मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई गई है। 2017 में आई बाढ़ की वजह से इस सड़क का हाल बेहाल हो गया। लोगों का कहना है कि बीते 3 साल से वो इस सड़क की मरम्मत के लिए तमाम लोगों से शिकायत कर चुके हैं, फिर चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर अधिकारी। ये रोड जो है तब से ऐसे ही है, जितना नेता है सब आते हैं, आके बोलते हैं हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ये रास्ता आपका यहाँ से लेके बिलासपुर हाई रोड में जुड़ता है, बंगाल में जाकर यहाँ से आपका बिघोर होते हुए बारसोई को जुड़ता है, इतना मेन रास्ता ही ऐसे आपको आबादपुर काजीटोला चले जाएगा। इस रास्ता का कोई ध्यान नहीं है, बहुत दिन से हम लोग परेशान हैं, धोखे में आके हम लोग से वोट लेता है लेकिन हम लोग का कोई काम करता नहीं। हम लोग बहुत परेशानी में, इसलिए कि बंगाल बिहार के बॉर्डर में है हम लोग और मुसीबत में है। 2017 से 17 का फ्लड से जो है ये ऐसा जर्जर स्थिति हो गया है। बीच बीच में जो है चुनाव हुआ लोकसभा का, विधानसभा का, तो उसमें जो है ये ईंट का कुड़कुड़ दे के सरकार का ही तरफ से हुआ है, दे के जो है इसको काम निपटा के फिर वो उसका काम निकल गया। हम लोग ऐसे जूझ रहे हैं, इसे हो नहीं रहा है, बहुत दिक्कत होता है रास्ते में, आने जाने में बहुत दिक्कत है, गाड़ी वाड़ी पलटी हो जाता है, चलने का दिक्कत होता है, गाड़ी वाड़ी लेके जाता है एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ, उसके बाद कितना एक्सीडेंट होने के बाद रोड देखो कैसा है, थोड़ा भी बारिश गिरता है उसका पूरा रोड खराब हो जाता है, इतना ईटा वोटा का ये पक्का होना चाहिए रोड को। अब सवाल है कि लोग इस शिकायत को लेकर कहां जाएं, क्योंकि सुनवाई कहीं हो नहीं रही। लोगों का कहना है कि कान में तेल डालकर बैठा प्रशासन तभी जागेगा जब यहां कोई भीषण हादसा होगा और दर्जनों लोग जान से हाथ धोएंगे। मोहम्मद मिनारुल, टाइम्स न्यूज़, बारसोई।